हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भूतों की बेहद डरावनी और बहुत ज़्यादा खतरनाक कहानियाँ लेकर आया हूँ जिन्हें सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। पहली कहानी विनीत जी की है, तो आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। मेरा नाम विनीत है दोस्तों। आज मैं आपको मेरे और मेरे साथी हेल्पर सुशील के साथ घटी बिल्कुल सच्ची आप बीती शेयर करने जा रहा हूँ। जय शुक्ला भाई का धन्यवाद कि उन्होंने मेरी इस कहानी को ब्लडी संडे चैनल पर आने का मौका दिया। तो ये बात आज से 12 साल पहले की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और सुशील मेरा खालसी था जो ट्रक पर मेरे ही साथ रहता था। तो हुआ क्या कि करीब रात के 1 बज रहे होंगे, हमारा ट्रक हाईवे पर तेज़ रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। रास्ते पर आजू बाजू कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हमारा ट्रक ही उस खामोशी में डूबे रास्ते पर पीली रोशनी बिखेरता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उस सीधे रास्ते पर जहाँ न कोई मोड़ था और ना ही कोई ब्रेकर, हमें रास्ते में करीब 30 कदम की दूरी पर एक औरत दिखाई दी जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। तो वहीं उस औरत की पीठ हमारी तरफ थी और वो औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी और हमारा ट्रक फुल स्पीड में दौड़ रहा था। किसी तरह हमने ट्रक की स्पीड कम की, मगर अचानक ही ट्रक को कंट्रोल करके बिल्कुल स्पीड स्लो करने के चक्कर में हमारा ट्रक पलटते पलटते बचा था। खैर, जैसे ही हमारा ट्रक उस औरत से 5 कदम की दूरी पर जाकर रुका, तभी हमने देखा कि वो औरत तो जैसे रास्ते पर जम सी गई थी। मैंने कई बार हॉर्न भी लगाई, मगर वो औरत को जैसे मेरे ट्रक का हॉर्न सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी मैंने मेरे खालसी सुशील से कहा कि जाकर इस औरत को रास्ते से हटा दो, वरना ये आज किसी न किसी गाड़ी के नीचे आ ही जाएगी। तो मेरे खालसी ने कहा कि क्या लेना देना अपने को इससे, आप रास्ते के किनारे से ट्रक निकाल ले चलो। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं, शायद ये औरत बहरी है, अगर हमने इसे रास्ते से नहीं हटाया तो ये किसी न किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी और इसकी जान को भी खतरा पड़ सकता है। तो दोस्तों, मेरे कहने पर मेरा खालसी सुशील ट्रक से नीचे उतरा और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मेरा खालसी सुशील उस औरत के करीब पहुंचा, तभी पीछे से उसने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, मरने का इरादा है क्या, चलो रास्ते से किनारे हटो। और इतना कहकर जैसे ही खालसी सुशील ने उस औरत का हाथ पकड़कर उसे दूर हटाने की कोशिश की कि तभी उसका हाथ उस औरत के आर पार चला गया। ये देखकर ट्रक में बैठे हुए मैं भी सकते में आ गया और खालसी सुशील के तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी वो औरत सुशील की तरफ पलटी और तब उस औरत का कटा फटा खून से लथपथ चेहरा देखकर सुशील के पसीने छूट गए। दरअसल दोस्तों, उस औरत का चेहरा बुरी तरह से फटा हुआ था और उसके सर की हड्डियाँ तक दिखाई पड़ रही थी। तो वहीं उस औरत की आंखें सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रही थी। अब तो उस औरत का भयानक रूप देखकर मेरा कलेजा भी दहल चुका था। मैंने तुरंत ट्रक को आगे की तरफ बढ़ा दिया और मेरा ट्रक उस औरत के आर पार चला गया। तभी मैंने खालसी सुशील से कहा कि जल्दी से भाग कर आओ और बैठो। मेरे इतना कहते ही खालसी सुशील भाग कर आया और ट्रक में चढ़ गया। जैसे ही वो ट्रक में चढ़ा, मैंने अपना ट्रक फुल स्पीड में भगा दिया, मगर तभी ट्रक की साइड व्यू मिरर में मैंने देखा कि वही भयानक औरत हमारे ट्रक का पीछा कर रही थी। वो मानो तूफान की तरह हमारे ट्रक के पीछे आ रही थी। अब उस भयानक औरत को गाड़ी की रफ्तार में ट्रक का पीछा करता देख खालसी सुशील की जान हलक में अटक गई। वो थर थर कांपने लगा और बोला कि मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। वो यही बात बार बार दोहराने लगा। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि तू परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पीछा कर ले, हमारे ट्रक को नहीं पकड़ पाएगी। तो मेरी ये बात सुनकर खालसी सुशील शांत हो गया, मगर वो अंदर ही अंदर काफ़ी भयभीत भी लग रहा था। फिर हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए, वहाँ उस औरत का नामो निशान नहीं था। तभी मैंने ट्रक से माल उतरवाया और वापस नए सफर पर निकल पड़ा, मगर रास्ते में ही मेरे खालसी सुशील की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अजीब हरकतें करने लगा
और जब तक मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तब तक खालसी सुशील की आंखें टंग गई और एकाएक उसकी मौत हो गई। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने सड़क के किनारे झाड़ियों के पास उसी औरत को शैतानी हंसी में मुस्कुराते हुए देखा, जिसे देखकर मेरे तो होश फाकता हो गए। तभी वो भयानक औरत या फिर आत्मा गायब हो गई और फिर कभी वो भयानक औरत मुझे दिखाई नहीं दी। मगर इस घटना को याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। मेरे और मेरे खालसी सुशील के साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम सौरभ है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। तो हुआ क्या कि आज से 2 साल पहले उस रात मैं बहुत थका हुआ था। दरअसल मैं फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ और फैक्ट्री से 6 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मुझे रोज़ सुबह करीब 6 बजे घर से साइकिल से निकलना पड़ता और हर रात 9 बजे मैं फैक्ट्री से घर के लिए अपनी साइकिल पर निकलता था। तो उस रात भी मैं साइकिल से रात करीब 9 बजे अपने घर के लिए निकला था। मगर उस दिन फैक्ट्री में काम इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं काफ़ी थक गया था और इसी वजह से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद मैंने राहत की सांस लेने के लिए अपनी साइकिल रोकी और रास्ते के किनारे खड़े होकर मैं सिगरेट पीने लगा। जब मैं सिगरेट पी रहा था तो मेरी नज़र रास्ते पर फैली खामोशी पर गई। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और मैंने तभी नोटिस किया कि थकान के कारण मैं रुक तो गया था मगर मेरे ठीक पीछे कब्रिस्तान है और कहते हैं कि रात बिरात कब्रिस्तान के आसपास नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो या चाहे बीड़ी तम्बाकू। रात बिरात कब्रिस्तान के आसपास या शमशान घाट में इन चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ गई तो मैंने झट से सिगरेट बुझाई और साइकिल पर पैडल मारते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी रास्ते पर सामने से मुझे एक औरत आते हुए दिखाई दी। वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था। मैंने उसे देखकर कहा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। फिर वो बोली कि कुछ भी नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। मैंने तुरंत कहा कि बताइए क्या चाहिए आपको। तो उसने कहा कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है, अगर तुम मुझे सिगरेट दे दो। तो वो इतना ही बोली थी कि मैंने तब तक अपनी शर्ट की जेब से एक सिगरेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लो जी, आप सिगरेट ले लो। मगर मैं हैरान हूँ, मुझसे सिगरेट लेते हुए उसने मुझसे मेरी हैरानी का कारण पूछा। तो मैंने उसे बताया कि पहली बार किसी लड़की ने मुझसे सिगरेट मांगी है। तो उसने हंसकर कहा कि पर मैं आम लड़की नहीं हूँ, मुझसे बचकर रहना, क्योंकि ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे तुम्हारी जान भी मांग सकती हूँ। ये सुनकर मैं भी मस्ती के मूड में आ गया। मैंने कहा कि अच्छा जी, तो आप मांगिए तो सही, आपके लिए तो हम खुशी खुशी जान भी दे देंगे। मेरी ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा तो कुछ भी नहीं, बस उसने अपने पास से 100 का नोट निकाला और मुझे देने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि ये किस लिए, तो उसने कहा कि ये तुम्हारी सिगरेट की कीमत है। मैंने हंसते हुए उससे कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरी सिगरेट 100 रुपए की नहीं है बल्कि काफ़ी सस्ती है। तो उस लड़की ने कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे हर रात 1 सिगरेट पीने के लिए देना और मैं तुम्हें बदले में कभी 100 तो कभी 500 तो कभी 1000 रुपए तक दूंगी। बस ध्यान रखना कि एक भी दिन गलती से भी मुझे सिगरेट ना देने की भूल मत करना। चाहे जो भी हो, अब तुम्हें हर रात मुझे 1 सिगरेट पीने के लिए देनी होगी और उसका तुम्हें मैं सिगरेट की कीमत से कई गुना ज़्यादा पैसे दूंगी। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, उस लड़की की ये बातें सुनकर मैं तो खुश भी था और ये प्रश्न भी मेरे अंदर था कि आखिर कोई साधारण सी सिगरेट के लिए इतने पैसे क्यों देना चाहता है। लेकिन मुझे क्या लेना देना, अगर वाकई वो लड़की
मुझसे हर रात सिगरेट लेगी तो मेरी तो फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ एक नई कमाई शुरू हो जाएगी। यही सोचकर मैंने उस लड़की को हाँ कह दिया और मेरे हाँ कहते ही वो लड़की सिगरेट पीते हुए जाते हुए बोली कि कल रात मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगी। तो दोस्तों, जैसे ही वो लड़की वहाँ से गई, उसके जाने के कुछ सेकेंड्स बाद मैंने रास्ते में पीछे की तरफ देखा, मगर पीछे रास्ते में मुझे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और इतनी जल्दी वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई थी। लेकिन मैंने फिर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप अपने घर चला गया। दूसरे दिन रात में जब मैं फैक्ट्री से घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में ठीक उसी जगह पर मुझे वो लड़की दिखाई दी। आज उसकी सफ़ेद साड़ी में खून लगा हुआ था। मैंने साइकिल उसके पास रोकते हुए उससे पूछा कि ये तुम्हारी साड़ी में खून कैसा है? तो उसने बताया कि ये तो मैंने जिसे मारा है उसका खून है। मैंने हंसते हुए कहा कि किसे मार दिया तुमने? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि वो आदमी हर रात मेरे लिए सिगरेट लाता था, मगर कल रात उसने मुझे सिगरेट नहीं दी थी, तभी मैंने तुमसे सिगरेट मांगी थी। मगर जैसे ही वो आज मुझे इस रास्ते से जाता हुआ दिखाई दिया, मैंने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, जब वो लड़की ये बातें बता रही थी, तब वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बातें बता रही थी कि जो वो बोल रही थी वो बिल्कुल सच ही है, मगर मुझे उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं वैसे भी तुम्हें हर रात सिगरेट दे दिया करूँगा, क्योंकि मेरा हर रात यहीं से आना जाना होता है, तो तुम्हें मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं तो तुम कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते के किनारे जो नीम का पेड़ है वहाँ ध्यान से देखना, तुम्हें एक मोटरसाइकिल और एक आदमी की लाश ज़मीन पर पड़ी मिलेगी। मैंने कहा कि ठीक है, देख लेंगे। और फिर इतना कहकर मैंने उसे एक सिगरेट निकाल कर दे दिया। तो आज उसने मुझे एक सिगरेट के बदले में 500 का नोट दे दिया। एक मामूली सिगरेट के 500 रुपये पाकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं कुछ देर उसी नोट को ही देखता रहा। फिर जब मैंने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं जा चुकी थी। फिर मैं भी साइकिल पर पैडल मारते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मगर जब मैं उस नीम के पेड़ के सामने से गुजरा तो अचानक मुझे उस लड़की की बताई बात याद आ गई और मैंने पलट कर उस नीम के पेड़ के आसपास अपनी नज़रें घुमाई तो मुझे पेड़ के पास पड़ी मोटरसाइकिल दिखाई दी। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। कहीं वो लड़की सच में तो नहीं कह रही थी? क्या सच में उसने किसी आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया? ये बात सोच कर ही मैं कांप गया। मैंने अपनी साइकिल वहीं पर खड़ी कर दी और अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ मैं देख नहीं पा रहा था। तो मैंने अपनी जेब से मेरा फ़ोन निकाला और फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर दी और फ़ोन की रोशनी में मैं इधर उधर देखने लगा। फिर तभी मुझे उस नीम के पेड़ के पास एक आदमी की लाश पड़ी मिली। उस लाश का धड़ तो था, मगर उसका सर वहाँ आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और उस लाश के आसपास हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने अपनी साइकिल उठाई और मैं फ़ौरन वहाँ से चीखता चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागा। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे परेशान देखकर मेरे घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? तो तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी हैरान हो गए और जब मैंने उन्हें बताया कि उस लड़की ने रोज़ाना एक सिगरेट की बजाय पैसे देने का सौदा मेरे साथ एक शर्त पर किया है, तो घर वालों ने पूछा कि कैसी शर्त? तो मैंने बताया कि उसने शर्त रखी थी कि मैं हर रात उसे सिगरेट दे दिया करूं। अगर किसी कारणवश मैं किसी रात उसे सिगरेट लेने नहीं पहुंचा, तो वो मेरा भी वही हश्न करेगी जो उसने उस मोटरसाइकिल वाले आदमी का किया है, यानी वो मुझे भी दर्दनाक मौत देगी। मेरी बात सुनने के बाद
मेरे दादाजी बोले कि इसका मतलब वो कोई साधारण लड़की नहीं है, या तो वो मानसिक रूप से बीमार है और सनकी हुई है, या फिर वो कोई आत्मा है। ये सुनकर मैंने कहा कि आत्मा? तो दादाजी ने कहा कि हाँ, जिस रास्ते से तुम घर आते हो उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता है, हो सकता है ये लड़की उसे कब्रिस्तान में भटकती आत्माओं में से कोई आत्मा हो। तो मैंने कहा कि दादाजी फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हें एक पीर बाबा के पास ले चलता हूँ, वही कोई रास्ता बताएंगे। फिर दोस्तों, मैं और मेरे दादाजी पीर बाबा के दरगाह पहुँचे। वहाँ पर दरगाह पर माथा टेकने के बाद हम पीर बाबा से मिले। फिर मेरे दादाजी ने पीर बाबा को सारी बात बताई। सारी बातें सुनने के बाद पीर बाबा ने कहा कि तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो कि बहुत ही खतरनाक आत्मा है। वक्त पर तुमने उसकी पहचान कर ली, वरना बेमौत मारे जाते। दोस्तों, पीर बाबा की बात सुनकर मैं और ज़्यादा खौफजदा हो गया। तो पीर बाबा समझ गए और बोले कि बेटा घबराओ मत, मैं अब उस आत्मा से तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगा। वो है तो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली, मगर पाक आयतन कुर्सी पढ़कर बड़ी से बड़ी आत्मा को भी काबू में किया जा सकता है। दोस्तों, पीर बाबा की इस बात को सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। फिर इसके बाद पीर बाबा ने मेरे लिए एक ताबीज बनाया, और फिर ताबीज मेरी गर्दन पर पहनाने के बाद पीर बाबा ने कहा कि देखो, चाहे जो भी हो जाए, अगले 6 महीने तक ये ताबीज मत उतारना। उसके बाद उस चुड़ैल से तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा, मगर तुम्हें अगर हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचना है तो तुम इस ताबीज को हमेशा अपनी गर्दन पर पहने रहना। ये सुनकर मैंने पहले तो पीर बाबा को धन्यवाद कहा, फिर इसके बाद मैंने पीर बाबा से एक सवाल किया कि क्या इस ताबीज को पहनने के बाद मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, या फिर सिवाय एक ताबीज के उस चुड़ैल से मेरी रक्षा हो सकेगी। मेरी ये बात सुनकर पीर बाबा बोले कि ये कोई साधारण ताबीज नहीं है, मैंने जितना कहा बस उतना ही करो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर मैं और दादाजी घर वापस जाने लगे। तभी पीर बाबा ने कहा कि और हाँ, अब अगले 3 दिनों तक तुम उस रास्ते से मत आना, उसके बाद 4th रात उस रास्ते से आते या जाते हुए अगर वो आत्मा तुम्हें दिखाई भी दे तो वहाँ रुकना मत और चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहना। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आपने जैसा बताया हम वैसा ही करेंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद 3 दिनों तक तो मैं उस रास्ते पर गया ही नहीं और ना ही उस आत्मा को सिगरेट दी, मगर 4th दिन मैं फैक्ट्री पर काम पर चला गया। फिर जब फैक्ट्री से काम ख़त्म करके 9 बजे घर के लिए फैक्ट्री से निकला, तो घर आते हुए रास्ते में उसी जगह मुझे सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी दिखाई दी, मगर आज उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद मोती की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा बेहद ही भयानक रूप में तब्दील हो चुका था। उसका भयानक रूप देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे, मगर मैंने रास्ते पर अपना ध्यान रखा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। तभी मैंने देखा कि वो खौफनाक चुड़ैल बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी साइकिल की तरफ बढ़ रही थी, मगर ना जाने क्यों वो चुड़ैल मेरी साइकिल के करीब नहीं आ रही थी, जिसका कारण मैं समझ गया क्योंकि मैंने पीर बाबा का ताकतवर ताबीज पहन रखा था। यही कारण था कि वो आत्मा चाह कर भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। फिर उस रात मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया, तो मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और इसके बाद मैं वापस हर दिन फैक्ट्री पर काम पर जाने लगा। शुरुआत में कुछ रातों तक तो मुझे वो चुड़ैल दिखाई दी, मगर फिर अचानक से उस चुड़ैल का दिखना भी बंद हो गया और फिर आज तक कभी भी मेरा सामना उस चुड़ैल से नहीं हुआ। लेकिन पीर बाबा का दिया वो शक्तिशाली ताबीज मैंने आज भी अपनी गर्दन पर पहन रखा है, और मैं कुछ महीनों पहले
पीर बाबा से मिलने भी गया था, जहां मैंने पीर बाबा को मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। ऐसे ही सच्ची डरावनी और बहुत ही खतरनाक कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे कुछ और सच्ची और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद आपको स्लीप म्यूजिक सुनने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड होती है कि उन्हें वीडियो में स्लीप म्यूजिक भी चाहिए। अगर आप स्लीप म्यूजिक ना सुनना चाहें तो यहीं से वीडियो को स्किप कर सकते हैं।